हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रिक दोस्तों कि अगर आप जो है फेसबुक पर 5000 फ्रेंड जो है कंप्लीट कर लेते हैं गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं एंड यहाँ पर जो है मेरे फ्रेंड देखने को मिल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर 5000 फ्रेंड को कम्प्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप फ्रेंड को ऐड नहीं कर पाते ज़्यादा। तो अगर आप 5000 से ज़्यादा जो है फ्रेंड को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि फ्रेंड जो है आप यहाँ पर जब फेसबुक को ओपन करते हैं और आपके जैसे कि माना कि अगर यहाँ पर जो है 5000 फ्रेंड जो है कम्प्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट करते तो वो एक्सेप्ट नहीं हो पाती, मतलब उसमें जो है एरर देखने को मिलता है, एक पॉपअप शो होता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 2-3 मेथड को अप्लाई करना है। पहले आपको सेटिंग में जाना है फेसबुक के, मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और आप जो है 5000 से ज़्यादा जो है फ्रेंड को ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले आप फेसबुक के जो सेटिंग है उसमें चले जाएंगे। जाने के बाद पहले आपको क्या करने का, पहले आपको जो है यहाँ पर जाना है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, इस पर जाने के बाद यहाँ पर आएगा हु कैन सी सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन सेंड कर सकता है। तो इसको आपको करना है, ये आपके एवरीवन होगा तो इसको आपको फ्रेंड ऑफ फ्रेंड रख लेना है। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, आपकी फ्रेंड लिस्ट कौन देख सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्राइवेसी को कौन देख सकता है, ओनली में करना चाहे पब्लिक या अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी ईमेल एड्रेस और पीपल और नंबर ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ से बैक करना है एंड सेकंड मेथड क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉलोअर एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आएगा हु कैन फॉलो मी, मतलब आपको फॉलो कौन कर सकता है। तो आपके यहाँ पर फ्रेंड होगा गाइस तो इसको पब्लिक कर लें। इसके बाद हु कैन सी यूर फॉलोअर ऑन योर टाइम लाइन, इसको पब्लिक करना है, फ्रेंड होगा तो ओनली में होगा तो भी पब्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर आएगा हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो, इसको आपको ओनली रख सकते हैं, इनको तो आप जो है पब्लिक वो कैन कमेंट टू पब्लिक पोस्ट, मतलब आप पोस्ट करें उस पर कमेंट कौन कर सकते हैं, इसको पब्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन प्रोफाइल इनफो कौन देख सकता है, बाकी ये ऐसे रखना है। इतना करने के बाद गाइज अभी आपको एक और मेथड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा गाइज। तो यहाँ पर जैसे कि गाइज मेरी जो है यहाँ पर ये, अब जैसे क्या है कि मैंने वहाँ पर जो सेटिंग ऑन करा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है आप किसी की भी जो इसको देखते हैं गाइज, किसी के भी अकाउंट को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आता है ऐड फ्रेंड का, लेकिन जिसे आपने इस मेथड को अप्लाई करेंगे इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा व्यूअर्स, तो इसमें देखेंगे गाइज तो यहाँ पर जो है फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। जब सामने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मेरी फेसबुक आईडी को सर्च करेगा तो उसको जो है ऐड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पहले क्या था मेरे कि ऐड फ्रेंड का ऑप्शन देखने को मिलता था। अब जैसे मैं फॉलो कोई भी जो है मेरे इस पर फॉलो पर क्लिक करेगा तो मेरे जो है फ्रेंड में ऐड हो जाएगा। अब इतना कर लेंगे, जब भी फॉलो मेड हो जाएगा तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी आपको पॉपअप देखने को नहीं मिलेगा कि आपके जो है 5000 फ्रेंड कंप्लीट है तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रही बात इसके बाद आपको एक और मेथड करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, अगर आप वहाँ से वो सेटिंग अगर आपको जैसे कई यूजर्स है जिनको फेसबुक लाइट में या कहीं को नहीं मिल पाती है तो क्या करना है, 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉलो सेटिंग का, इसमें क्लिक करके यहाँ से भी जो पब्लिक कर लें और इसको पब्लिक कर लें, इसको एवरीवन रख लें, बाकी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करने का, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, इसको आपको जरूर करना होगा तभी आप कर पाएंगे। क्लिक करेंगे इस पर, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा टर्न ऑन, इसको जो है आप 1 सेकेंड में जो है ऑन कर लेंगे। जैसे आपको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद जैसे ये यहाँ से कुछ इस तरह का आ जाएगा एंड अब आपको बैक ले लेना, रिप्रेस करेंगे, आपने जो टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड में करा हुआ तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो है व्यू टूल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके जो जितने भी फ्रेंड थे गाइज वो जो है फॉलोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो मेरे कितने फ्रेंड थे, 4942, कुछ मेरे जो है फॉलोअर्स हैं गाइज और कुछ मेरे फ्रेंड थे, तो जो फॉलोअर्स थे वो भी इसमें जुड़ गए और फ्रेंड थे वो भी इसमें जुड़ गए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिली। जब जो है आपके कोई भी आपको जो है रिक्वेस्ट भेजना जाएगा तो उसको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपकी प्रोफाइल, तो आपको डायरेक्टली फॉलो करेगा एंड आपके जो है फॉलोअर यहाँ पर जो है बढ़ जाएंगे और कुछ इस तरह से आप जो है 5000 से ज़्यादा फ्रेंड को जो है ऐड कर सकते हैं अपनी फेसबुक में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।